सिंगल द स्टोर इन ए एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन, मतलब यहाँ पर एलिमेंट स्टोर होता है एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में, मतलब पास पास में स्टोर होता है। और आरे में क्या होता है ना, सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर होता है, तो यू हैव टू स्टोर द सेम टाइप ऑफ वैल्यू, एक ही डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर होता है। एंड आरे इंडेक्स नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू, थ्री, फोर। तो द सबस्क्रिप्ट नंबर इट स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ आरे एलिमेंट विद इन आरे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द आरे इंडेक्स पोजिशन। तो यू कैन क्रिएट द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरे, दो तरीका का हम आरे बना सकते हैं, वन इज वन डायमेंशनल आरे, अनदर इज मल्टी डायमेंशनल आरे। इन वन डायमेंशनल आरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए सिंगल इंडेक्स वैल्यू, मतलब सिर्फ एक ही रो का वैल्यू रहेगा। एंड इन मल्टी डायमेंशनल आरे इट कैन हैव मल्टीपल कॉलम बट ओनली वन रो, मल्टीपल कॉलम ओनली वन रो इज प्रेजेंट इन मल्टी डायमेंशनल आरे। इन सिंगल डायमेंशनल आरे इट कंटेन द सिंगल रो, जैसे कि इट इज ए सिंगल डायमेंशनल आरे, ओके, वन रो एंड इट कंटेन द मल्टीपल कॉलम, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स एंड फोर इंडेक्स। और इन मल्टी डायमेंशन आरे इट कंटेन द मल्टीपल रो, जीरो, वन, टू, मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स आर प्रेजेंट। तो फॉर डिफाइनिंग द आरे एलिमेंट पहले हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पहले हमको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ओके, आरे टाइप, आरे का नेम, डायमेंशन कितना साइज का डायमेंशन, न्यू आरे टाइप, यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि इट इज डिफरेंट देन द सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस, आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको यूजर से अगर वैल्यू लेना है यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है। फर्स्ट उसका डेटा टाइप डिफाइन करना है, आरे नेम डिफाइन करना है, न्यू आरे टाइप देन साइज, पहले डाटा टाइप, आरे नेम, न्यू कीवर्ड देन साइज। तो कैसे होगा, सपोज int a, यहां पर डायमेंशन है न्यू int, देन साइज इज 4। तो व्हेन यू डिफाइन 4 देन 4 मेमोरी एलोकेशन इज डिफाइंड, ओके, int a न्यू int देन साइज इज 4 is a way of declaring an array. And in multi-dimensional array, it contains the multiple row and multiple column. So int a new int, then 2 row and 3 column. So 2 row and 3 column that we define in the multi-dimensional array. One is single dimension array, another is multi dimension array. Okay, so multi dimension array is defined in this format.
तो फर्स्ट फॉर्मेट को हम रो बोलेंगे, सेकेंड फॉर्मेट को कॉलम बोलेंगे। तो रो वाइज में ए जीरो वन हो गया, ए जीरो एंड वन हो गया। तो जैसे कि हर एक इंडेक्स नंबर ए जीरो से शुरू होता है, तो है हम इसको आगे इसका डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंगल डायमेंशन एरे का। See there. So here I define an array int x, new int 10, 20, 30, 40. So four element I have stored here. तो array से element को retrieve करने के लिए हम use करते हैं क्या? Now for loop. By using a for loop, we will get all the element from an array. So as you know that, or I have show you in that figure, array index number is starting from zero. So int I is equals to zero, zero less than x dot length. Length is what? Length is an attribute of an array, which is retrieve the size of the array. Array ka size retrieve karne ke liye ye length use kiya jata hai. So zero is less than h dot length. Zero is less than 1, 2, 3, 4. Zero is less than 4. Condition is true. Then now it is printing you x array zero index. X array zero index. It is printing you 10. Then I value is increment to 1. 1 is less than 4. Condition is true. When condition is true, it is now printing you 20. Then I value is increment to 2. 2 is less than 4. Yes. X array 2 index, it is printing you 30. I value is increment to 3. 3 is less than 4. Condition is true. So X array 3 index, it is printing you 40. By using of loop, we retrieve all the elements. Now check, I run the file. It gives you 10, 20, 30, and 40. Okay. समझ में आया अभिमन्यु? Yes, sir.
Then I will show another example. I want to find out the sum of the array. So in this program, I define here array sum int sum. So sum is equals to sum plus xi index. In Java C, sum is equals to 0. Okay, so it is first printing you all the element 10, 20, 30, 40, and it is showing you sum of all the value. 40 plus 30 is 70, 70 plus 20 is 90, 90 plus 10 is 100. It is showing you all the elements. So 10, 20, 30, 40, these are the element we have passed in the array. Then now it is added all the numbers and it shows the result. समझ में आया अभी मनु? सिर्फ मैंने और एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया और इसको ऐड करके दिखाया. Yes, sir. हाँ सर.
let me send it. ए हो गया आपका सिंपल आरे, और उसके बाद और एक कंसेप्ट है हम यूज करते हैं एनहांस फॉर लूप. ओके, सो एनहांस फॉर लूप इज यूज टू रिट्राइव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम एन आरे. आरे से सब एलिमेंट को रिट्राइव करने के लिए एनहांस फॉर लूप यूज किया जाता है. तो एनहांस फॉर लूप इज यूज टू रिट्राइव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम एन आरे. If you want to retrieve all the elements from an array, enhanced for loop is used. यहाँ पर looping use नहीं होता है. Looping में क्या होता है? ना तीन part रहता है. First initialization, checking condition, increment decrement. मतलब सिर्फ एक value को display करने के लिए आपको तीन process करना पड़ता है. लेकिन enhanced for loop में ऐसा नहीं होता है. आपको सारा value अगर retrieve करना है तो you have to use enhanced for loop. So right. Enhanced for loop, आपके कॉपी में लिखिए. इट इज यूज टू रिट्राइव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम एन आरे. हाँ, ये घट रहा जी. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आरे डिफाइन किया गया है. आई एन टी एक्स इक्वल टू न्यू आई एन टी 10, 10 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर करेंगे. तो फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू. तो एक सारे 0 इंडेक्स में हम स्टोर करेंगे 1, 0 प्लस 1 इज 1. फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1, 1 इज लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू. एक सारे 1 इंडेक्स में 1 प्लस 1 2 स्टोर होगा. मतलब x जो एक आरे है उसमें 1 से लेकर 10 तक हम स्टोर कर दिए बाय यूजिंग ऑफ नॉर्मल फॉर लूप. बट अभी जो आरे में मेरा वैल्यू स्टोर है 1 से लेकर 10 तक, अभी मैं इसको रिट्राइव करूंगा. रिट्राइव करने के लिए मैं यहां पर एनहांस फॉर लूप यूज किया. आई एन टी पी कॉलोन एक्स, एक्स इज द आरे नेम. तो एक सारे का जो भी वैल्यू है वो आकर पी में स्टोर होगा. तो जब हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पी, देन इट इज रिट्राइव ऑल द एलिमेंट्स. सो नाउ आई रन द फाइल हियर. That is retrieve all the element 1 to 10.
Clear or any doubt in this enhanced whole log? No, sir. ये हो गया आपका एनहांस फॉलोअप का, और एक क्विज देता हूं तो आपको ओके तो आपको नेक्स्ट क्लास में मल्टी डायमेंशन आ रहे शुरू करेंगे ओके okay?